बढ़ते कोविड के मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को 1 मई तक बंद कर दिया है, जबकि बोर्ड परीक्षाओं को भी 17 मई तक स्थगित कर दिया है। शिक्षा विभाग ने बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन जारी रखने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड परीक्षाओं को विभाग ऑनलाइन करने पर विचार कर रहा है और इसके अभिभावकों से सुझाव भी मांगे गए हैं, जिसके बाद विभाग परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाने पर निर्णय लेगा। शिमला सचिवालय में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल स्कूलों को खोलना संभव नहीं है, इसलिए स्कूलों को 1 मई तक बंद कर दिया गया है, जबकि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चलती रहेगी। बोर्ड परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाने पर सुझाव मांगे गए हैं, जिसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से परीक्षाएं ली जानी हैं या छात्रों को प्रमोट किया जाना है। निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को लेकर भी सरकार कानून लाने वाली है, जिसका खाका तैयार कर दिया गया है। अगर कोई स्कूल ज्यादा फीस वसूलता है तो उसके खिलाफ डीसी और उपनिदेशक शिक्षा विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हमारे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय 1 मई तक बंद रहने वाले हैं और अभी कोरोना की स्थिति दिन प्रतिदिन बहुत तेज गति से बढ़ रही है और अभी ये लगता है कि ये जो लहर चल रही है, इस लहर में 15, 20, 25, 30 साल इस एज ग्रुप के भी काफ़ी लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं और इसलिए अभी 1 मई तक का विचार किया है और बीच में यह है कि कोशिश ये होगी कि अगर कहीं पर ये चेन टूटती है तो फिर आगामी समय में स्कूलों को खोलने पर विचार किया जा सकता, लेकिन फिलहाल तो अभी तक इनको बंद रखने का ही विचार किया गया है। अभी हमने कहा है कि फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई जो वो चलती रहेगी। देखिए अभी तो फिलहाल 17 मई तक स्थगित किए गए हैं, तो अब यही है कि आगामी आने वाले दिनों में अगर स्थिति सुधरती है तो होंगे और यदि स्थिति और बिगड़ती है तो ये उसे कुछ दिन पहले हम तय करेंगे। देखिए अभी देखेंगे कितने प्रकार के सुझाव आते हैं और उन सुझावों पर हम ठीक प्रकार से मंत्रण करेंगे और जिसमें लगेगा कि ज़्यादा बेहतरी किस में हो सकती है, क्योंकि ये कहा है कि बच्चों का जीवन वो हम सब के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए यह है कि जिसमें उनकी सेहत भी ठीक रहे, पढ़ाई भी चलती रहे, क्या तरीका ऐसा हो सकता है, जो भी उचित लगेगा वो करेंगे। देखिए हमने कहा है कि जहाँ जहाँ पर फीस वसूली अगर कोई ज़्यादा कर रहा है तो उसकी शिकायत करें, डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन के को सेक्रेटरी बनाया और डिप्टी कमिश्नर को भी हमने उसमें अध्यक्ष बनाया है, तो ऐसे मामले भी ध्यान में आ रहे हैं तो वहाँ पर कार्रवाई भी की जा रही है। और जहाँ तक बिल बनाने की बात है वो अभी तक ये एक अंडर कंसिडरेशन है, अभी उस पर चर्चा चल रही है।